हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट को। वैसे तो ये मार्केट जितना बड़ा देखने में है उतना ही ज़्यादा क्राउडेड है, एंड अगर आपको बार्गेन करना नहीं आता तो मैं तो कहूँगी कि यार इस मार्केट में मत ही आओ, बिकॉज अगर आपको बार्गेनिंग स्किल्स नहीं आती है तो फिर आपका इस मार्केट में आना बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत प्राइजी लगेंगी एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स। पर अगर हमारे दिल्ली टूर में अगर हम लोग लाजपत नगर मार्केट को मेंशन ना करें तो ये टूर थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगेगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस मार्केट को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और सिर्फ इस मार्केट को ही नहीं बल्कि इस मार्केट के बहुत सारे स्पेशल फूड वैराइटीज़ को भी हमने एक्सप्लोर करा, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बस फिर क्या, हमारे साथ बने रहिए एंड एंजॉय कीजिए लाजपत नगर मार्केट का ये छोटा सा व्लॉग। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। तो भाई घर से निकल चुके हैं हम और अब बढ़ चले हैं लाजपत नगर की ओर। और लाजपत नगर कैसे जाना है तो हम जाने वाले हैं सरिता विहार मेट्रो से लेकर लाजपत नगर तक। तो चलिए पहले मेट्रो की ओर चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मेट्रो में किस तरह से ट्रैवल किया जाता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो मेट्रो से ही ट्रैवल करते हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक छोटा सा व्लॉग है कि किस तरह से आपको ट्रैवल करना है और कैसे कैसे। फ़िलहाल ये देख लो आप सरिता विहार एच मार्केट का नज़ारा था ये, और जो भी एच पॉकेट के राउंड रहते हैं वो जनरली इसी मार्केट में आते हैं। कुछ भी चीज़ आपको चाहिए है तो आपको वो इस मार्केट से मिल जानी है। वैसे मैं रांची आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली सी है। ये तो होना ही था, मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करा है और इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी है कि थोड़ा सा एग्जॉशन की वजह से मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है फ़िलहाल। अच्छा वैसे हम पहुँच चुके थे सरिता विहार मेट्रो और ये मेट्रो के बाहर का नज़ारा है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने एक कार्ड बना लिया था, जो कि अगर आप भी बना लेते हो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, सिर्फ 150 का ये कार्ड पड़ता है। ये आपको मेट्रो में इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है और इस तरह से आप यहाँ पे स्कैन करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये कार्ड नहीं है तो फिर आपको कूपन बनाना पड़ेगा, लेकिन हमने कार्ड ही बना लिया था क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था और इतना बार बार कूपन्स के लिए लाइन में खड़े होना वॉज नॉट पॉसिबल। एक बार आप जब कार्ड बना लेते हो तो फिर बस आपको ना उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। फिलहाल ये कालका जी स्टेशन से हम पार कर रहे थे, मेट्रो स्टेशन से क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे ये लोटस टेम्पल का नज़ारा दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ ये प्यारा सा नज़ारा शेयर किया जाए। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं लाजपत नगर मार्केट और ये मेट्रो स्टेशन के अंदर का नज़ारा है, तो चलिए निकलते हैं। और निकलते के साथ ना मुझे ये स्वीट पोटैटो का जो कॉर्नर है मुझे वो दिख गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्लेट बना लिया जाए, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। स्वीट पोटैटो इज़ समथिंग जो आपको बहुत देर तक फिल्ड रखता है और आपको बहुत लंबे समय के लिए भूख नहीं लगती है जनरली, क्योंकि बहुत फिलिंग होता है। तो हमने ये बना लिया था, स्वीट पोटैटो बॉयल्ड था और उसमें कुछ मसाले डाले इन्होंने, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करा, थोड़ा सा इमली जो इमली पानी था वो इन्होंने ऐड करा, और फिर इसे मिक्स करके ना बड़ा ही टेस्टी सा ये स्वीट पोटैटो का चाट जो था ये प्रिपेयर हो चुका था। इस चाट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप डाइट में भी हो ना तो भी आप उसको खा सकते हो। एंड हमें करनी थी लंबी वाली शॉपिंग, तो भाई अब जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो ना तो आपको बार बार जो भूख लगे उससे अच्छा है कि आप एक बार ही कुछ ऐसा फिलिंग सा खा लो जिससे आपको भूख थोड़ी कम लगे। तो मैंने ये स्वीट पोटैटो हमने इन्जॉय कर लिया था, मैं और मेरी फ्रेंड थे साथ में, तो वी इन्जॉयड दिस, और ये बहुत ही टेस्टी था, स्पाइसी सा था, तो हमने ये तो इन्जॉय कर लिया। लेकिन फिर जब हम मार्केट के अंदर आए तो यहाँ का क्राउड, मतलब ये आपको नॉर्मल क्राउड तो लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली नॉर्मल क्राउड नहीं था, यहाँ बहुत भीड़ होती है। एंड सिंस हम वीकेंड पे गए थे तो धीरे धीरे जो यहाँ पे भीड़ है ना वो बढ़ ही रही थी, बट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे ये लाजपत नगर मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिल जानी है, यहाँ पे आप अगर जूते चप्पल से लेके आप अगर कुछ शॉपिंग करते हो या फिर पर्सेज आप देख लो, यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सेज हैं, कुशन्स आपको उधर दिख रहे होंगे, स्पेशली ये एक पर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सा शॉप था।
इन ब्रांड्स के अलावा भी अगर आपको लोकल चीज़ें चाहिए हैं तो वो भी आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। वैसे इन सारी चीज़ों में आपको प्राइस थोड़ा, कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा ज़्यादा प्राइजी थी, स्पेशली सूट्स वगैरह जो आप अच्छे शॉप से लेते हो ना, वो सारी चीज़ें थोड़ी प्राइजी थी। बट अगर बात करें टॉप्स की या टी शर्ट्स की, अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए हैं तो आपको 100-100 रुपये में ये बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। बट अगर बाकी सारी चीज़ों की बात करें, लाइक यहाँ पे बैग्स एंड एक्सेसरीज़ की अगर बात करें, तो मुझे यहाँ पे रेट्स थोड़ा प्राइजी लगा। अच्छा, ये जो शॉप है यहाँ से आप बर्तन की शॉपिंग कर सकते हो अगर आपको चाहिए है तो। अच्छा, तो मार्केट के अंदर इस तरह से पतली पतली सी गलियाँ हैं जहाँ आपको चूड़ियाँ मिल जाएंगी, चूड़े मिल जाएंगे, इयररिंग्स के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस यहाँ होते हैं। बट अगेन ये सारी चीज़ें बहुत प्राइजी होती हैं। जो आपको ये सिंपल सिंपल इयररिंग्स दिख रही हैं, उनमें से एक पेयर आपको कोई 350 का तो कोई 400 का भी मिलता है। सो दीज आर वेरी प्राइजी। अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो मैं तो बोलूँगी बी अ लिटिल केयरफुल अगर आप चीज़ें यहाँ से ले रहे हो। अगर आपने अभी तक दिल्ली एक्सप्लोर नहीं किया है तो पहले आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि आपको इनसे चीप में और अच्छे क्वालिटी में भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। इधर हमें लग गई थी थोड़ी सी प्यास, तो हमने सोचा वाई नॉट हैव अ कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ कोल्ड कॉफ़ी वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख लो यहाँ पे स्नैक्स के लिए बहुत कुछ है। होली आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे आपको गुजिया वगैरह के भी आइटम्स मिलेंगी, लेकिन हमने सिर्फ ना एक कोल्ड कॉफ़ी लिया था यहाँ से, क्योंकि हमें प्यास लगी हुई थी, एंड विथ आइसक्रीम लिया था। तो यहाँ पे विथ आइसक्रीम ले लो, कोल्ड कॉफ़ी दे रहे। वैसे हम इतना चल चुके थे कि इसके बाद भूख भी लगी हुई थी हमें, लेकिन देन वी डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स हैव अ कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद जो है ना, हम लोग थोड़ा बगल में डोलमा आंटी के मोमोज हैं उनके तरफ टूट पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल उसके पहले आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे क्रॉकरी सेट आपको बड़ा अच्छा अच्छा मिलता है। ये फुटपाथ पे लेके बैठते हैं, बट इनकी क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी होती है। अगर आप उनको सर्च करो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी मिल जाएंगी इनमें। तो हम आ चुके थे यहाँ डोलमा आंटी के मोमोज के लिए, और यहाँ पे तंदूरी मोमोज की इतनी सारी रेंज यहाँ पे लगी हुई है। और अगर बात करें डोलमा आंटी के मोमोज की, तो अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा, और अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो बता दूं आपको कि दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट मोमोज में इनके मोमोज आते हैं। प्राइस रेंज भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो हमने भी एक तंदूरी मोमो मंगवा लिया था, और आप देख लो ये जो ग्लेज आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ बटर का है। मतलब तंदूरी मोमो जब ये लोग तंदूर से हटाते हैं और उसके बाद ये बटर में, बहुत ही जेनरसली बटर में इसे टॉस करके फिर आपको देते हैं। तो बस फिर हमने इसे एंजॉय किया, और इसे एंजॉय करने के बाद हमने साथ ही साथ मंगा लिए थे एक प्लेट दही गोलगप्पे भी, और वो भी बहुत डिलीशियस था। इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसे डेकोरेट कर रखा था कि मुझे तो, खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, इतना प्यारा सा दिख रहा था, लेकिन देन वी हैड इट और ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस ये था हमारा लाजपत नगर का व्लॉग, और वैसे हमने एंजॉय तो करा, कुछ शॉपिंग करी, कुछ फूड एंजॉय करा, और अभी आपको आगे और भी दिल्ली से रिलेटेड कुछ और व्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।